चरवल हरचंदा मोड़ पर जो LIC की बड़ी ऑफिस बनी हुई, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हमारे बीच में LIC के श्रेष्ठ अभिकर्ता जुनैद अहमद जी मेरे बीच में हैं। तो जुनैद अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया चैनल पे, आप अपनी बात रख रहे हैं। तो आने वाला त्यौहार है होली, तो होली के लिए क्या कहेंगे? होली के लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जी, और आने वाला त्यौहार में सब लोग हंसी खुशी मनाएं जी, और सभी की जिंदगी में खुशियों का रंग भरे जी। LIC के द्वारा कुछ नई स्कीम लॉन्च की गई है, वो कौन सी स्कीम है? अभी हमारे यहाँ 22 फरवरी को एक LIC ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नई स्कीम बीमा ज्योति नाम से निकाली है जी, जिसमें लोगों को परेशानी ये रहती थी कि जैसे एज अभिकर्ता बताते कुछ थे जी, और उनको जब मैच्योरिटी होती थी तो मिलता कुछ था जी, तो उस शिकायत को दूर करने के लिए LIC ने हमारे निकाला है कि एक गारंटेड प्लान, यानी अगर हम 2 लाख की पॉलिसी ले लेते हैं तो उस पर 10,000 रुपये हर साल उनके खाते में जुड़ता रहेगा, और जब उनकी पॉलिसी का समय पूरा होगा जी, तो उसमें पूरा उसी हिसाब से मिल करके उनको गारंटेड पैसा मिलेगा। उसमें कुछ भी ये नहीं कि अभिकर्ता ने कुछ बताया उनको मिलेगा कुछ जी। इस तरह से हमारे यहाँ अब गारंटेड स्कीम आ गई है 22 फरवरी 2021 से जी, और ये बहुत बिक भी रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि इस समय जो हमारे देश में है जी, सभी बैंकों का इंटरेस्ट रेट दिन प्रतिदिन घट रहा है जी, तो क्योंकि आज जैसे 4-5% फिक्स डिपॉजिट पे चल रहा है बैंकों में जी, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ LIC ने निकाला कि आज से 15 साल बाद हम आपको गारंटेड पैसा देंगे, इसकी गारंटी ले रही है जी। नहीं, एक चीज़ और पूछेंगे, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, जो है लड़कियों की शादी के लिए भी कुछ स्कीम आपके द्वारा है आपके LIC, उस पर क्या है? हमारे यहाँ एक लड़कियों के लिए स्कीम की है, काफ़ी अच्छी है, जिसमें वो पॉलिसी पेरेंट्स के नाम से की जाती है जी, और उसमें बच्ची को नॉमिनी बनाया जाता है जी। उसमें होता क्या है कि जैसे अगर बच्ची के जो है गार्जियन के बीच में अगर कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो उस केस में, क्योंकि पैसा फिर आगे कोई भरने वाला नहीं रह गया, पैसा उसकी कौन भरेगा उसकी किस्त, तो उसमें यह है कि LIC ने ऐसा प्रावधान किया है जी कि पूरा पैसा उनको शादी के टाइम पे मिलेगा जी, और बीच में जब कोई कैजुअल्टी होती है जी, तो क्या है पढ़ाई लिखाई के लिए भी LIC पैसा देती है। मान के चलिए कि जैसे कोई 3,000 रुपये महीने की जमा करता है जी, तो और 15 साल तक के लिए जमा करता है जी, और 18 साल पे उसको करीब 11 लाख रुपये के आसपास में मिलता है जी। ठीक, अगर इस बीच में कोई कैजुअल्टी होगी तो 55,000 रुपये उसके परिवार को, उसके बच्ची को हर साल मिलेगा जी, पढ़ाई लिखाई के लिए या उसके खर्चे के लिए जी, और जब टाइम पूरा होगा तो पूरा का पूरा पैसा मिलेगा जी। ये बहुत अच्छा है जी, हमारे यहाँ जैसे डाकघर की स्कीम सुकन्या समृद्धि चल रही है, उसमें क्या है कि जैसे 15 साल या 18 साल या 14 साल हमको लगातार भरना है जी। मान लिया गार्जियन नहीं रह जाता है तो कौन भरेगा जी, तो जितना भरा है वही मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ कि जितना आपने 3 साल या 4 साल भरा और उसके साथ कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो भी पूरा, यानी उसकी गारंटी है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। आपने अगर आज सोचा है कि हमको बिटिया की शादी के लिए 18 साल बाद 11 लाख चाहिए, तो चाहिए मतलब मिलेगा मिलेगा, उसमें कुछ कमी नहीं होगी। नहीं बस एक चीज़ और पूछेंगे, चलते चलते छोटा सा सवाल हो, LIC को क्यों करना चाहिए, क्योंकि LIC से और लाभ क्या है लोगों को, इस पर बताइए प्रॉपर का चाहिए। LIC को करना इस वजह से ही है कि जैसे जब सब सामान्य चल रहा हो, खर्चे आदमी कमा रहा है, परिवार का मुखिया कमा रहा है, तो सब ठीक होता है, लेकिन जब परिवार के मुखिया के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई कैजुअल्टी हो जाती है, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो उस केस में होता क्या है कि परिवार के नातेदार रिश्तेदार सब आते हैं, उसको सांत्वना देने के लिए तो आते हैं बेशक, लेकिन पैसा देने के लिए उसके बच्चे को, उसके वाइफ को, उसके माता पिता को कोई नहीं आता है देने के लिए। तो उस केस में क्या है कि हमारी LIC की तरफ से जो हमारे अभिकर्ता हैं या एजेंट है वो जाता है उस पैसे को देने के लिए, और सभी लोग आते हैं रिश्तेदार नातेदार सांत्वना देते हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं देता है, पैसा सिर्फ LIC ही देती है। इस वजह से बीमा कराना चाहिए, कि ये नहीं सोच करके कि
ये सोचोगे कि हमारे बाद भी कोई जीने वाला है। जी देखिए, अभी आपके बीच में LIC अभिकर्ता जुनेद अहमद जी ने अपनी बात को रखा है और इन्होंने अग्रिम होली की सबको बधाई दी है। देख रहे लाखों सोशल मीडिया से जुड़े हुए मैं दर्शकों से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी LIC आपके साथ हमेशा खड़ी है, सदैव तत्पर है। आप LIC से जरूर जुड़े। न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा नाम बहराइच। भारतीय जीवन बीमा निगम के ऑफिस के ठीक मैं बाहर मौजूद हूँ। ये बहराइच को जाने वाली रोड है जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इधर ये लखनऊ को जाने वाली रोड है दोस्तों। और अब मैं आपको सीधे हरचंदा मोड़ की ओर लाया हूं, और इससे थोड़ा आगे चलने पर भारतीय जीवन बीमा निगम का एक ऑफिस है। मैं सीधे आपको ऑफिस की ओर ले चल रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये हरचंदा को जाने वाली मार्ग है और हरचंदा टू धनसरी को भी ये रोड जाती है दोस्तों। और मैं धीरे धीरे अब आपको मैं ऑफिस ले आया हूँ। कार्यालय लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, जुनेद अहमद एजेंट। आज हम इनके ऑफिस में पहुँचेंगे और आज जुनेद अहमद की ओर से होली की अग्रिम उन्होंने बधाई भी दिया है, जो आप देख चुके हैं दोस्तों। ये ऑफिस है और ऑफिस पूर्णतया तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो पॉलिसी धारक हैं, संजय तिवारी, न्यू तिवारी फोटो स्टूडियो जरवल कटरा, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं जुनेद अहमद, यहाँ पर उन्हें पॉलिसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ये अवार्ड देख रहे हैं जो जुनेद को मिला है, बेहतर काम करने के कारण बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति हैं जुनेद अहमद। और ये आप देख रहे हैं CCTV कैमरे से भी ये पूरी तरीके से ऑफिस यहाँ पर लैस है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ AC भी यहाँ पर लगी है, वातानुकूलित व्यवस्था भी की गई है। और आप देख रहे हैं LIC की नई बचत की योजनाओं के विशेष यहाँ पर कैलेंडर व यहाँ पर बोर्ड लगे हुए। और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं दोस्तों फूलचंद वर्मा व बाबूराम वर्मा को आप देख रहे हैं। ये फूलचंद वर्मा है और अभी तक आपने पीछे देखा था वो बाबूलाल वर्मा थे। और ये सभी लोग सेवा केंद्र सहायक हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं संजय तिवारी जो बीमा धारक हैं, यहाँ पर जुनेद अहमद योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जिसमें बीमा ज्योति योजना, जीवन लक्ष्य योजना, जीवन लाभ योजना, आधारशिला एवं स्तंभ योजना, जीवन उमंग योजना, FD योजना व कैंसर कवर योजना के बारे में वो यहाँ पर सीधे तस्वीरों में अभी आप आगे देखेंगे दोस्तों। संजय तिवारी को वो सभी योजनाओं के बारे में वो अवगत करा रहे हैं। ये सभी तस्वीरें देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा YouTube चैनल से आप देख रहे हैं। लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ये सभी तस्वीरें जरवल से।